आज का जो हम लोग का क्लास है ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत और साख। मुद्रा क्या है, बचत क्या है और साख क्या है, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इन सभी प्रश्न उत्तर का हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर समझिए कि मुद्रा क्या है, बचत क्या है और साख क्या है। मुद्रा एक माध्यम है, मुद्रा को जिसको अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं पैसा, पैसा कौड़ी रुपया, इसे क्या है एक विनिमय का माध्यम है, मतलब कि हम जो खरीद बिक्री करते हैं उसका एक माध्यम है, ठीक है। बचत क्या होता है, जो पैसा हम कमाते हैं और जो खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और साख का मतलब होता है विश्वास, पहचान, विश्वास या पहचान। इसको डिटेल से हम लोग प्रश्न में जानेंगे। इसका सबसे पहला जो प्रश्न है जो NCERT में दिया गया है वो पहला क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए एक समय था कि पैसा नहीं हुआ करता था, वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी बिकती जाती थी, बहुत बड़ी बात थी, पैसा था ही नहीं, वस्तु से ही वस्तु की खरीद बिक्री करनी है, ऐसी सिस्टम थी, उसे कहा था वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होता, देखिए विनियम की वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनियम प्रणाली कहलाता है। अर्थात एक वस्तु को दीजिए और दूसरे का वस्तु को ले लीजिए। जैसे हम लोहा देते हैं 5 किलो और उसके बदले में मान लीजिए 5 किलो लोहा के बदले में 3 किलो प्याज दे दिया तो हम कहते हैं प्याज, लोहा का बदलाव हो गया प्याज से। गेहूँ देते हैं और हमको 1 किलो गेहूँ दिए और वो हमको आधा किलो दही दे दिया तो हम कहते हैं कि गेहूं का बदलाव हो गया दही से या दही का बदलाव हो गया गेहूं से। वस्तु के बदले में वस्तु ये देन करना है, पैसा नहीं हुआ करता था उस समय। आज से लगभग 30-40 साल पहले की भी बात कीजिएगा ना, पैसा के रहते हुए भी अधिकांश चीज़ वस्तु से ही खरीदा करता था लोग, अधिकांश चीज़ वस्तु से ही दे दीजिए और वस्तु को ले लीजिए सिस्टम था। दूसरे शब्दों में क्या दिया गया परिभाषा, किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन से वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब कि इसमें पैसा नहीं आना चाहिए, बीच में खरीद बिक्री हो और पैसा बीच में नहीं आए कैसा खरीद बिक्री होगा, सोच सकते हैं आप। वैसी प्रणाली आज से बहुत पहले हुआ करती थी जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना, इस तरह का काम हुआ करता था, अक्सर लोगों ने लोग ऐसा किया करते थे और आपसी सहयोग में अदला बदली करके अपना घर जीवन यापन कर लेते थे। मगर अब ये संभव नहीं है, अब करिएगा ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब कैसे नहीं कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मौद्रिक प्रणाली क्या है, अगला प्रश्न क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए विनिमय की वैसी प्रणाली जिसमें विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। जितना भी खरीद बिक्री का काम करना है किससे करेंगे, मुद्रा से, पैसा से। जो चीज़ आज खरीदना है आप किससे खरीदते हैं, पैसा से। आपको चावल खरीदना है या आपको जूता खरीदना है या आपको मोबाइल खरीदना है, चीज़ अलग अलग है मगर खरीदना किससे है, पैसा से। तो पैसा से खरीद बिक्री जो होता है इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। और इस मौद्रिक प्रणाली में क्या आता था, इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं आपको तो हम अपना सेवा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सेवा बेच रहे हैं और उसके बदले में हमको पैसा जो मिलता है उस पैसे को लेकर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमको गोभी, आलू, परवल, तेल, जितना भी चीज़ खरीदना होता है उसी पैसा जो आप दिए हैं उसी से हम खरीद लेते हैं। तो मैंने क्या दिया पहले आपको, सेवा, और सेवा के बदले में हमको क्या मिला, पैसा, और पैसा से हम क्या खरीद लिए, जो भी चीज़ खरीदना होता है जो जरूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से आपके पापा भी करते हैं, उसी प्रकार से जो हमसे जिससे परवल खरीदे हैं वो भी पैसा लिया है, बट बेचारा हमको क्या दिया है, वो वस्तु दिया है, अब पैसा ले लिया है और उस पैसा से बेचारा अपना बेटा का जूता, चप्पल, जो भी चीज़ें खरीदना वो खरीदेगा। तो आसान तरीका है, पैसा से ही सब कुछ खरीदा जा रहा है इसमें,
ये तरीका बहुत ही अच्छा निकला, सबसे अच्छा विनिमय का साधन निकला, अच्छा प्रणाली निकला। तो आपसे सीधी बात से पूछे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु के लेन देन होता है उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, और जिसमें पैसा से वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है या पैसा से वस्तु के लेन देन की जाती है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा जो शब्द है इसको हम लोग बोलते हैं पैसा, रुपया, है ना, धन संपत्ति, इसको हम लोग बोल देते हैं। मुद्रा का मतलब मेनली हम ना पैसा और रुपया से मतलब समझते हैं, ठीक है। अमेरिका में डॉलर होता है, जापान में येन होता है, सेन होता है ना, तो इस तरह से अलग अलग पे होता है। जैसे बांग्लादेश में जाइए तो क्या होगा, टका होता है वहाँ का, तो अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से होते हैं। अब मुद्रा के बारे में हम लोग जानते हैं मुद्रा होता क्या है। साधारण बोल बात नहीं है, साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु पे बने सिक्के से समझा जाता है। जब हम बोलते हैं मुद्रा लाइए तो हम समझते हैं अच्छा धातु का कोई सिक्का उक्का होगा उसको दे देंगे तो मुद्रा होता है, साधारण ये समझते हैं। मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। मुद्रा का मतलब मुहर भी और चिन्ह भी होता है, मगर यहाँ पर मुद्रा का क्या अर्थ है, यही कारण है कि किसी वस्तु पर सरकारी मुहर या चिन्ह जाता है तो उसे मुद्रा कहते हैं। जब आप रुपया पैसा देखते हैं ना, 10 रुपया 5 रुपया जो सिक्का देखते हैं वो क्या है, उस पर भारत सरकार का मुहर लगा हुआ है, भारत सरकार का लोगो बना हुआ है, लिखा हुआ है भारत सरकार, तो वो रुपया है, पैसा है, है ना, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है तो ये पैसा है, ठीक है ना, नहीं तो ये मुद्रा नहीं कहेंगे हम लोग। अगर वैसा ही नकल करके हम लोग बना लेते हैं, चाहे दूसरा सिक्का लोहा का सिक्का लेके जाएंगे, लोहा का सिक्का लेके जाएंगे तो हमको देगा 10 रुपये का कोई सामान नहीं देगा, मगर 10 रुपये में क्या लिखा हुआ है कि 10 रुपये का सामान हमको दे देता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो ट्रस्टेबल है, वो भारत सरकार ने जारी किया कि इसको बदले में 10 रुपये का चीज़ आप खरीद सकते हैं, चाहे आप खीरा खरीदिए, चाहे टॉफी खरीदिए, चाहे बिस्किट खरीदिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, मुद्रा की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। जैसे प्रोफेसर होटलेविट्स ने क्या बताया है, मुद्रा वह मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है ना, बात नहीं हुआ, बड़ा अजीब से, मुद्रा क्या है जो मुद्रा का काम करती हो, मतलब विनिमय का काम करती हो, मुद्रा क्या है जो मुद्रा का लिए काम करती हो, विनिमय का काम करती हो, जिससे हम खरीद बिक्री करते हैं, वो सब क्या है, मुद्रा है। कोलबर्न ने क्या कहा, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, किसी वस्तु के बदले में आप क्या दीजिएगा, इस पेन का कीमत कितना है, 5 रुपया है, तो आप इस वस्तु का 5 रुपया में इस पर पेन का आकलन कर लेते हैं, और पैसा नहीं होता तो पेन कैसे खरीदते हैं आप, किस चीज़ से खरीदते हैं आप, आपके पास गेहूं बचता तो गेहूं लेकर जाते हैं, कितना गेहूं के बदले में क्या को पेन मिलेगा पता है क्या, तो फिर कैसे होगा, अभी तो पैसा है, अभी तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तुरंत, गेहूं कैसे 20 रुपये किलो, ठीक है, 1 किलो गेहूँ दिया, 4 को पेन लाइए, तो कैसे जाएंगे 4 को पेन चाहिए, क्योंकि 5 रुपये पेन बिकता है, 4×5=20, 1 किलो गेहूँ का दाम 20 रुपया बात करें तो एगो पेन का दाम 5 रुपया, तो 20 रुपया दिए आप, 1 किलो गेहूँ दिया माने 20 रुपया दिए, तो क्या को पेन दीजिएगा, 5 को 4 को पेन लाइए हमको, 4×5=20 रुपया हुआ, अभी तो आपको पैसा है तब ना आकलन किए हैं, पैसा था ही नहीं तब कैसे आकलन करते हैं आप, नहीं समझे, पैसा नहीं रहता तो आकलन ही नहीं करते, मुद्रा आपको पैसा बता, वैल्यूएशन बता रहा था ये इतना का है, वही बात है। नैप ने क्या कहा, नैप एगो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा, कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है, ये सरकार तय करेगी कि पैसा कौन होगा, मुद्रा कौन होगा, पैसा कौड़ी आप डिसाइड नहीं कीजिए कि पैसा कौन होगा। सपोज आपके पास पैसा है, अब घर में आपके 100 रुपया का 10 को नोट रखा हुआ है, आप बहुत गर्व करते हैं, मेरे पास तो 100 रुपया का 10 को नोट रखा हुआ है, मतलब 1000 रुपया मेरे, 1000 का मैं मालिक हूँ, 1000 रुपया मेरे पास है। सरकार कल नियम निकालती है कि जो 100 रुपया का नोट था अब वो नहीं होगा, इसके पास भी अमरूद का एक पत्ता होगा उसका 100 रुपया होगा, तो आप बताइए पैसा रखिएगा कि अमरूद का पत्ता चुनिएगा, आप अमरूद का पत्ता चुनिएगा, सरकार ने घोषित कर दिया कि अमरूद का पत्ता 100 रुपया है, तो आप जितना भी अमरूद का पत्ता है सब तोड़ तोड़ कर टैक्सी में रख लीजिएगा, पैसा को फेंक दीजिएगा, पैसा कुछ नहीं है, सरकार ने कह दिया पैसा है, सरकार ने घोषित कर दिया कि पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, अब
जो चीज कहेगी कल के कहेगी कि यह किताब 1000 रुपया है, तो अब यही किताब सब खरीद खरीद के लाएगा, 1000 रुपया होगा वो। कल होके कह दे कि जितना पुराना फूटल फाटल मोबाइल है वो 1 लाख रुपया है, तो सब आदमी फूटल फूटल मोबाइल लेकर जमा करना शुरू कर देगा, वही 1 लाख रुपया है। सरकार जिसको तय कर दिया ना, तो सब लोग मोबाइल खोना शुरू कर देगा ना। देखिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पैसा कुछ भी सरकार ने जो जारी कर दिया, सरकार ने जो प्रमाणित कर दिया, सरकार ने जो कह दिया, वही पैसा है, बाकी सब बेकार हो गया, समझेंगे नहीं। हाँ, सरकार ऐसा नहीं करेगी कि आपके पास पैसा है आज रात रात चेंज कर दिया आप फिर कहा कि नहीं बदलेंगे, बदलने का मौका देगा कि आपके पास पुराना नोट है तो पुराना नोट दे जाइए, नया नोट ले जाइए। नोटबंदी हुआ था, एक बार नोट चेंज हुआ था, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, सब चेंज हुआ, फिर चेंज होने वाला है, पता है आपको, 2000 का नोट फिर चेंज होने वाला है, क्योंकि उसमें जाली आ गया था, फिर चेंज करेगा सरकार उसको, तो फिर 2000 का नोट जितना होगा सब लेके जाएगा बैंक में जमा करेगा, और फिर उसका हाँ आधे देर ले रहा है, देखिए 2000 वाला नोट नहीं मिला जल्दी आपको, सरकार सब वापस ले रही है धीरे धीरे, बैंक में जमा जा दिएगा, बैंक वाला रख लेगा, वो 500 का नोट दे देगा आपको। अभी तो बाजार में सब्जी खरीदा था, बच्चा को 500 पहले के जो फिर के लिए आई है ना, 500 का नोट ही का चल रहा जा रहा था, 500 100 200 सबसे ज़्यादा 500 और 100 है ना, 500 और 100 सबसे ज़्यादा चल रहा है नोट, उसके बाद 200 भी चल रहा है। आप देखिए वो अपना अपना लेवल। ATM क्या है? आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। एक प्लास्टिक मुद्रा है। ATM क्या है? एक प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक जारी करती है और अपने ग्राहकों को देती है। प्लास्टिक ATM का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन, टेलर नहीं क्या, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह 24 घंटे रुपये पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा देता है। मतलब क्या है? ATM एक प्लास्टिक का कार्ड है जो बैंक आपको दे देती है और कहती है भैया जब आपको पैसा निकालना होगा आप अपना पिन सेटअप कर लीजिएगा, पिन डालिएगा, सीक्रेट अमाउंट डालिएगा, ATM से निकल जाएगा लेके ऐसे, यही ना देती है बैंक। और इस ATM कार्ड प्लास्टिक की जो मुद्रा पे हम विश्वास करते हैं वही साख होता है। हम लोग जाते हैं ना किसी जगह पे, मॉल में या कहीं पे सामान खरीदने, तो हमारे पास पैसा तो नहीं होता है मगर उस ATM के बदौलत हम लोग सामान सब खरीद लेते हैं। और जब कैश काउंटर पे जाते हैं तो कहते हैं भैया कार्ड है, कार्ड स्वीपिंग मशीन में घुसाता है, सीक्रेट नंबर दबाता है, पहले अमाउंट डाल देगा, इतना अमाउंट है 5442 रुपया हुआ, वो यहाँ पे आपको दे देगा, आप पिन नंबर डालिएगा, सीक्रेट पिन नंबर, बस आपका पैसा अकाउंट से कट जाएगा, मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपका पैसा कट गया है, इतना पैसा, उसका मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, हो गया, दैट्स ऑल। आप लोग के दिमाग में ये चलता होगा कि इतना जल्दी बैंकवा उठा के ओकरा डाला खाता में डाल देगा, डाटा फेर होता है, ऐसा थोड़ी ना कि बैंक वाला पैसा निकल के उड़ के हवा में आया होगा और मॉल की तिजोरी में घुस गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं, डाटा ट्रांसफर हो गया, उसमें हो गया सब कुछ, डाटा से चलता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब ATM, ठीक है, स्वचालित टेलर मशीन। चलो हुआ बहुत लेट है, यहाँ बैठो, तुम कहाँ लेट का क्या योजना इतना। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का एक मुद्रा का रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक को वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब, जब आप बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो पैसा जमा जब करते रहिएगा जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा तो बैंक कहेगी कि आप खरीद बिक्री करने के लिए एक कार्ड ले लीजिए और वो कार्ड आपको हम दे देते हैं उसे आप खरीद बिक्री कर लीजिएगा। तो कह जाएगा ATM तो कार्ड है ही है, उसे खरीद बिक्री कर दीजिए। ATM से खरीदिएगा तो पैसा सीधे आपके अकाउंट से कटेगा, आपके अकाउंट में 10-1 लाख रुपया सपोज डेट है,
तो 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 का सामान खरीदे तो कितना बच जाएगा उसमें? 90,000। मगर जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है ना, तो आपको 1 लाख रुपया हो गया ना, तो बैंक आपको 10,000 या 20,000 का क्रेडिट कार्ड देती है। 20,000 रुपया क्रेडिट कार्ड पे अलाउ करती है कि आपका क्रेडिट कार्ड दे रहा है, 20,000 का सामान आप खरीद सकते हैं। तो जब आप 10,000 का सामान खरीदते हैं ना, तो आपका अकाउंट में 1 लाख रुपया रहता है, 10,000 का सामान खरीद लेते हैं। आपको बड़ा मैजिकल लगता होगा, कहते बड़ा मजा आएगा, हम भी बड़ा कर देंगे। तो बउआ आपको इसलिए कहा गया कि आप 1-1.5 महीना के अंदर में इधर कार्ड 10,000 रुपया जमा कर दीजिएगा। ये कह रहा है 1 लाख में तो नहीं कटेगा आपका, वो रहेगा 10-12,000 रुपया 1-1.5 महीना का टाइम होता है, उसमें आप भर दीजिएगा। जस्ट लाइक अ लोन दे दिया आपको 10,000 रुपया खर्चा करने के लिए, तो अच्छा था 1 लाख रुपया बैंकों में रह गया, सूदो मिल रहा है, आने का गया है, नहीं जमा करेंगे तो 90 से 1.5 महीना के बाद कट जाएगा। जमा कर दीजिएगा तो कोई बात नहीं, उतने रहेगा तो फायदा हुआ ना जी। अगर हमारे पास 2 लाख रुपया रखे हुए हैं तो उसे हमको 50,000 का क्रेडिट कार्ड दिया है, तो 50,000 का खरीदारी तो हम कर सकते हैं एट द पॉइंट। अब पैसा वहाँ रहेगा तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐसा चला कि नहीं कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड पे उठाइयो लिए हैं अब पैसे वो निकालिए, ऐसा नहीं कर सकते, बैंक अलाउ नहीं करेगी। ATM से निकालिएगा तो वार्निंग आ जाएगा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर लिया है उसको चुकाने के बाद ही निकालिए। ना तो लड़का सब बहुत तेज है, दिमाग लगा रहा होगा कि हम खुलवाएंगे 2 लाख रुपया लेके और डाल देंगे, 50,000 का क्रेडिट कार्ड निकल जाएगा, उससे सामान वामान खरीद लेंगे, बाद में 2 लाख रुपया ATM से फटाफट निकाल लेंगे। गया बैंक, अब बैंक गया कला गंगा, बैंक इतना बुर्वक नहीं है, बुर्वक होता तो इतना ब्रांच नहीं खुलता है, बुर्वक नहीं है। बैंक के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, देखिए इतना रका बैंक चलाता है। बैंक आप ही हमारे के पैसा से बैंक खोलती है, आपको पता नहीं तो जान लीजिए, बैंक का अपना पैसा नहीं होता है, ग्राहक के पैसा से ही पैसा कमाता है वो। दिमाग है भैया, वहाँ पे दिमाग है, कस्टमर के पैसा से ही पैसा कमाता है वो। और इतना स्टाफ तब वो काम करता है, उसको सैलरी कौन देता है? हम लोग देते हैं। आपको पता नहीं चलता होगा, आप लोग इस समझ में जल्दी नहीं आएगा, हमको भी नहीं आ रहा था, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद समझ में आया। पैसा बैंक कर्मचारी को कौन देती है? बैंक देती है, बैंक को पैसा नहीं रहता है कुछ लिया, हमारी पैसा आपकी पैसा को ही बैंक देती है बेहतर उसको। अब वो क्या करती है, क्योंकि वो लोन भी तो लगाती है ना बैंक, बैंक के कौन कौन से काम है वो लोग भी पढ़ेंगे हम लोग, घबराइए नहीं, आएगा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया, प्लास्टिक का एक मुद्रा होता है जो बैंक जारी करती है, जो अपने कस्टमर को निर्धारित राशि की खरीदारी करने की, निर्धारित राशि याद रखिएगा, 10,000 का क्रेडिट कार्ड बना है 10,000 ही खरीदारी कर सकते हैं उससे, आप उस कार्ड से 20,000 के नहीं कर सकते हैं उस कार्ड से। और वो बैंक निर्धारित करती है कि आपको क्रेडिट कार्ड कितना का दिया जाए, जैसे हमको कह रही थी कि आप कुछ दिन पहले मैसेज आया कि 25,000 का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए आप, तो कहा कि हम कुछ खरीदारी करते ही नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड लेके क्या करेंगे, हम नहीं लिए, हम ऑफर को ठुकरा दिए, कहे कि हमको नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड होगा तो कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा है ना, हमको पैसा की जरूरत पड़ेगी, हम तो भाई सरकार का पैसा ना आया था तो हमको तो काम करना ना है, जैसे 4 लाख अकाउंट में आया तो तुरंत मैसेज आ। बचत क्या है, देखिए बचत आय तथा व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, कितना कमाया माइनस कितना गवाया, वही है बचत। कमाया माइनस गवाया क्या होता है, बचत होता है। आप 10,000 कमाएं, 6,000 गवाए तो 4,000 बचाए, वही 4,000 आपका बचत है, उसी से आपका तरक्की होगा। 10,000 कमाने से तरक्की नहीं होगा, 4,000 बचाने से तरक्की होगा, समझ रहे हैं? अभी नहीं कह सर 6,000 गवाने से तरक्की नहीं होगा, 6,000 गवाना भी जरूरी है, खाना पीना नहीं खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा ना। अगला प्रश्न, साख क्या है, साख ए